वेलकम टू द चैनल गाइस। तो ये वाला वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैंने बनाया है एक यूएसबी इमरजेंसी लाइट जो कि यूएसबी पे भी चलता है और इसका खुद का बैटरी भी है, प्लस ये मैग्नेटिक भी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पुराना इमरजेंसी लाइट जो कि हमने पिछले वीडियोस पे कस्टमाइज़ किए थे। आई होप आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। पहले हम इससे ये एलईडी पैनल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये दूसरा वाला जो पीसेज है उनको मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रख देता हूँ। इसके बाद हमें एलईडी पैनल को कम्प्लीटली खोल लेना होगा। मैं पहले स्क्रूज निकाल लेता हूँ, फिर ये रिफ्लेक्टर, और इन स्क्रूज को हमें अच्छे से संभाल के रखना है। फिर हमें एक डाटा केबल चाहिए होगा। इसका जो रेड और ब्लैक वाला वायर है हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, और बाकी जो है वो काम के नहीं है। तो मैं लाइट के इस पोर्शन पे यूएसबी को फिटिंग करने वाला हूँ। तो हमें अच्छे से मेजरमेंट्स ले लेना है, और मैं फिर ड्रेमल टूल की मदद से इसको काट लूँगा। हमें इस पोर्शन को अच्छे से काट लेना होगा ताकि यूएसबी पिन अच्छे से फिटिंग हो जाए। और ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इसे भी काट लेना होगा, क्योंकि हमारा जो यूएसबी पिन है वो थोड़ा सा बड़ा है। और इसके बाद ये अच्छे से यहाँ फिटिंग हो गया है। फिर हमें इस पर थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना होगा, और फिर सुपर ग्लू डाल के यूएसबी पिन को अच्छे से चिपका लेना होगा। इसके बाद ये पिन कभी भी निकलेगा नहीं। तो हम चीज़ों को इस तरह से लगाएंगे। तो अभी मैं लिथियम आयन बैटरी का जो चार्जिंग सर्किट है उसके लिए मेजरमेंट्स ले लेता हूँ, और इधर हमें कट लगाना होगा जहाँ से हमारा बैटरी चार्ज होने वाला है। तो मैं अभी ड्रेमल टूल की मदद से इस पर कट लगा देता हूँ। अगर आपके पास ड्रेमल टूल ना हो तो आप सोल्डरिंग आयरन या फिर कटर से भी काम चला सकते हैं। अभी हमें चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ फंसा लेना है। और ये है एक स्विच, इसके लिए भी हमें एक होल कर लेना होगा। मैंने ये वाला स्विच इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही एफिशिएंट स्विच है। एसपीएसटी स्विच अच्छे से काम नहीं करता है। फिर हमें एक 4007 डायोड सीएफएल के पुराने सर्किट से निकाल लेने हैं, और उसका जो ब्लैक वाला साइड है यूएसबी पिन का रेड वायर पे अच्छे से फिटिंग कर लेना है। और फिर मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगा। और अभी एलईडी पैनल का जो रेड वाला वायर है डायोड का सिल्वर साइड पे हमें सोल्डर कर लेना होगा। हमें यूएसबी पिन के और एलईडी पैनल के ब्लैक वायर्स को अच्छे से सोल्डर करके टेप की मदद से इंसुलेट कर लेना होगा। तो अभी यूएसबी का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये यूएसबी पिन पे अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। फिर हमें चार्जिंग सर्किट को इस पे चिपका लेना होगा जहाँ हमने पहले कट लगाया था। मैं सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका लेता हूँ। और फिर स्विच को भी अच्छे से चिपका लूँगा। मैं फिर यूएसबी पिन का जो पुराने वायर्स थे उनको एक जगह फिटिंग कर देता हूँ हॉट ग्लू की मदद से, ताकि हमें कनेक्शन करने के लिए आसानी हो जाए। फिर मैं एक ब्लू वाला वायर और एक येलो वाला वायर लेके बी प्लस और बी माइनस पे इन वायर्स को सोल्डर कर लूँगा। और ये दोनों वायर्स जाएंगे हमारे मोबाइल के बैटरी पे, और येलो वाला जाएगा माइनस पे, ब्लू वाला जाएगा प्लस पे।
तो इस तरह से हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा और इसको हॉट ग्लू की मदद से इस वाले पार्ट पे चिपका लेंगे। फिर एक ग्रीन और एक ब्लैक वायर लेके मैं एलईडी पे सोल्डर कर लूँगा और हमें एक और डायोड चाहिए होगा जो कि मैंने एक पुराने सर्किट से निकाल लिया है। अभी हम आउट प्लस पे डायोड का जो ब्लैक वाला साइड है उसको सोल्डर कर लेंगे और ग्रीन वाला वायर को डायोड के सिल्वर साइड पे। फिर हमें स्विच पे ये जो ब्लैक वाला वायर था उसको स्विच के पहले पिन पे सोल्डर कर लेना होगा और एक ब्लैक वायर लेके दूसरे पिन के थ्रू हमें आउट माइनस पे सोल्डर कर लेना होगा। तब हमारा जो बैटरी पे चलने वाला फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्विच अच्छे से काम दे रहा है और अभी मैं हॉट ग्लू की मदद से इसको इंसुलेट कर लूँगा और फिर हमें जो प्लास्टिक पीसेस थे लाइट के उनको फिर से असेंबल कर लेना है। तो मैंने इधर एक और कट लगा दिया है स्विच के ऊपर। फिर हमें एक एक करके सारे पोर्ट्स को अच्छे से लगा लेना होगा और फिर मैं एलईडी पैनल को इस तरह से इस पे लगा दूंगा। फिर हमें रिफ्लेक्टर भी लगा लेना है और ऊपर का जो प्रोटेक्शन ग्लास था उसको लगा के हमें स्क्रूज को टाइट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ये वाला पार्ट पसंद नहीं था इसलिए मैंने इसको काट लिया है। आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं और चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। फिर मैं इसको सैंडपेपर की मदद से स्मूथ कर लूँगा। और अभी इस बॉडी पे ऐसे स्क्रैच करके सुपर ग्लू डाल के मैं दो मैग्नेट्स को फंसा लूँगा और इन मैग्नेट्स की वजह से ये मैग्नेटिक बन जाएगा। फिर हम इसको चार्ज कर लेंगे एक डेटा केबल की मदद से। जब ये चार्ज होता रहेगा तब ये रेड वाला एलईडी चलेगा और कंप्लीट चार्ज होने के बाद ये ब्लू हो जाएगा। फिर मैं इसे हमने जो पावर बैंक बनाया था उस पर ट्राई करके देखता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोशनी फेंक रहा है। तो अभी हम इसको पावर बैंक से निकाल के इसका जो खुद का बैटरी था उस पर चला के देख लेते हैं। तो ये इसके खुद के बैटरी पे भी अच्छे से रोशनी दे रहा है। तो मैं इसको बाहर लेके टेस्ट कर लेता हूँ। अभी हम कोई भी दूसरा लाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लाइट है वो सिर्फ हमारा इमरजेंसी लाइट ही है। तो इस तरह से ये रोशनी देता है। अभी हमने इसे यूएसबी से निकाल लिया है और बैटरी पे टेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसे मेटेलिक कोई भी चीज़ पे ऐसे चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नए वाले वीडियो पे।